80 और 90 के दशक में रुपहले पर्दे का सबसे पॉपुलर सितारा बनकर चमके थे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन का नाम उन अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल होता है जिन्हें एक्टिंग, एक्शन और डांसिंग तीनों में महारत हासिल है। मिथुन को फिल्म इंडस्ट्री में 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं और इतने सालों में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती अपनी फिल्मों के कारण ही एक बार मुश्किल में फंस गए थे, तब संजय दत्त ने उनकी मदद की थी। आइए बताते हैं आपको ये किस्सा। दरअसल ये बात तब की है जब 80 के दशक में मिथुन बहुत बड़े कलाकार थे। उस दौर में हर तरफ उन्हीं की फिल्मों के चर्चे हुआ करते थे। डायरेक्टर्स से लेकर एक्ट्रेसेस तक सभी उनके साथ काम करना चाहते थे। इसी लिस्ट में कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट्रेस मंदाकिनी का नाम भी शामिल है। उस दौर में मिथुन और मंदाकिनी की जोड़ी करीब दर्जन भर फिल्मों में साथ दिखी थी। मंदाकिनी के साथ इतनी फिल्में करने के दौरान मिथुन का नाम भी उनके साथ जुड़ने लगा था। ये वो वक्त था जब मंदाकिनी पर दाऊद इब्राहिम की नजर थी। दरअसल 90 के शुरुआती दौर में मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ने लगा था। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तब काफी कुख्यात डॉन के तौर पर जाने जाते थे। अखबारों में मंदाकिनी की दाऊद के साथ तस्वीरें छपने लगी। कहा जाने लगा कि मंदाकिनी और दाऊद के बीच अफेयर है। हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा अफेयर की बात को नकारा और यही कहती रही कि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। वहीं मिथुन का मंदाकिनी के साथ नाम जुड़ने की खबर के बाद दाऊद के लोगों की तरफ से मिथुन को धमकियां मिलने लगी कि वो मंदाकिनी से दूर रहें। हालांकि तब मिथुन ने इन धमकियों को हल्के में लेते हुए नजरअंदाज कर दिया था और उन्होंने आगे भी मंदाकिनी के साथ फिल्में साइन करना जारी रखा। लेकिन बाद में मिथुन को आभास हुआ कि कुछ लोग उन पर और उनकी फैमिली पर नजर रखे हुए हैं। यही नहीं, बात इतनी बढ़ गई कि आए दिन दाऊद के लोगों की तरफ से मिथुन के घर पर अंजाम भुगतने की धमकी देने वाले फोन कॉल्स भी आने लगे, जिसके बाद मिथुन का परिवार उन फोन कॉल से काफी डर गया। इस धमकी भरे कॉल से मिथुन को भी अपनी और फैमिली की चिंता होने लगी थी। जब मिथुन को समझ नहीं आया कि अब क्या करें और इस परेशानी से बाहर कैसे निकले, तब उन्होंने संजय दत्त की मदद ली। मिथुन ने संजय दत्त से अपनी सारी परेशानी शेयर की। मिथुन को परेशान देख संजय दत्त ने उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने का आश्वासन दिया और ये भी कहा कि अब वो मंदाकिनी के साथ फिल्में ना करें। संजय दत्त के समझाने के बाद मिथुन ने मंदाकिनी के साथ फिल्म करनी बंद कर दी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि संजय दत्त ने मिथुन को इस परेशानी से निकालने के लिए अंडरवर्ल्ड में अपने कुछ जानकार लोगों में से बात की और मामले को सुलझाया। इसके बाद तब से लेकर आज तक मिथुन और संजय दत्त बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बीच की दोस्ती अक्सर फिल्मी पार्टियों में देखने को मिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।